हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों को ड्रॉ करने वाली हूँ और इनको ड्रॉ करने के लिए मैं काफ़ी सारे न्यू टेक्निक का यूज़ करने वाली। तो हाँ, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। हेयर बनाने के लिए मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। इसके रेफरेंस फोटो में हेयर के जो लेयर है वो काफी अच्छे से दिख रहे थे। फेस ड्रॉ करने के लिए मैं कंप्लीट ग्रेफाइट पेंसिल का ही यूज करती हूँ। फेस के स्किन टेक्सचर को ड्रॉ करने के लिए मैं HB पेंसिल का यूज कर रही हूँ। लेयर बाय लेयर आपको जितना डार्क चाहिए स्किन, आप उतने लेयर्स उसमें बना सकते हैं। अब हेयर के मैं सेकेंड लेयर ड्रॉ कर रही हूँ, वो भी कंप्लीट सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ही ड्रॉ कर रही हूँ। और हेयर के जो भी पोर्शन में ब्लैक ब्लैक है उसको एक्स्ट्रा डार्क कर दे रही हूँ ताकि हेयर काफ़ी ज़्यादा रियल लुक दे। और अगर आपको हेयर में हाईलाइट्स चाहिए, अगर किसी के हेयर में बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स है, तो आप हाईलाइट्स बिना किसी इरेजर के यूज़ किए भी बना सकते हैं। आप उस जगह को, आप उस पोर्शन को छोड़ दीजिए, आप उसमें पेंसिल का यूज मत कीजिए, वो ऑटोमेटिकली हाइलाइट्स वाले लुक दे देंगे। आप रेफरेंस फोटो में इनके हेयर देख सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ दो लेयर ही हेयर में ड्रॉ किए हैं, अभी दो लेयर और ड्रॉ करना बाकी है ताकि वो और भी ज़्यादा ब्लैक हो जाएं। इस ड्रेस को ड्रॉ करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। या तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, जहाँ जहाँ वाइट है उस पोर्शन को छोड़ के जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ अच्छे से डार्क पेंसिल से कर दे रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला है। और दूसरा एक तरीका काफ़ी ईजी है, इसके लिए एक ऐसे पेन की ज़रूरत है जिसके इंक पूरे ख़त्म हो चुकी हो, जिसमें बिल्कुल भी इंक ना हो। आप सभी के पास पेन तो हो गई, आप इस तरीके से उसे खाली करके यूज़ कर सकते हैं इस ड्राइंग में। बिल्कुल उसमें इंक नहीं रहना चाहिए। आप 2 रुपए वाले पेन के साथ भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। जितने भी वाइट वाइट पोर्शन है इस ड्रेस के ड्राइंग में, जितने भी वाइट वाइट पोर्शन है उसमें बिल्कुल प्रेस करके उस डिज़ाइन के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। मैंने इस डिज़ाइन को पूरे पेन से ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर पेंसिल से बिल्कुल हल्की हल्की शेडिंग कर रही हूँ, पेंसिल को पीछे से पकड़कर लाइट प्रेशर के साथ। इसमें मैंने अप्सरा की 12B का यूज़ किया है, बट मुझसे इसमें काफ़ी बड़ी गलती हो गई थी। मैं इसे ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से जितने भी वाइट वाइट पोर्शन है वो सारे ब्लैक हो गए।
फिर मैंने दोबारा से इस ड्रेस के डिज़ाइन को ड्रॉ किया वाइट जेल पेन के साथ, जो कि बिल्कुल भी वैसा लुक नहीं दे रहा है जो पहले दे रहा था। ये उसकी रेफरेंस फ़ोटो है, ये उसके डिज़ाइन है। जब आप उस टेक्निक का यूज़ करेंगे किसी भी ड्रेस को या किसी भी डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो आप बिल्कुल भी ब्लेंड मत करिएगा, ना ब्रश का यूज़ करके, ना स्टम्प का यूज़ करके। फेस के स्किन में जितने भी डार्क डार्क पोर्शन होते हैं उसको मैं डार्क करने के लिए स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ और साथ में ब्रश का भी यूज़ कर रही हूँ। मैं स्किन टेक्सचर के लिए ज़्यादातर कॉटन का ही यूज़ करती हूँ, बस जो ब्लैक ब्लैक एरिया रहता है, जो डार्क एरिया रहता है, उसके लिए स्टम्प और ब्रश का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। मैंने हेयर के थर्ड लेयर ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ करते करते स्टम्प से मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ हेयर के उस पोर्शन को जहाँ बहुत ज़्यादा डार्क है, और हेयर के हाईलाइट एरिया में मैं ना ही स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ और ना ही पेंसिल का। सो दिस इज़ आवर कम्प्लीट ड्राॅइंग, और इस ड्राॅइंग के बैकग्राउंड को मैंने किस तरीके से कम्प्लीट ब्लैक किया है, किस टेक्निक का यूज़ किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और जो सेकेंड फेस है, जो सेकेंड पोर्ट्रेट है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बना के दिखाऊँगी। एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, डू फॉलो मी ऑन इंस्टा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।